Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So, जैसे कि आप लोग जानते हैं, we are dealing with a topic called as waves. ये waves के अंदर हम लोग ने previous lecture में basics सारे के सारे देख लिए थे. Wave को कैसे represent किया जाता है, wave को कुछ इस तरह represent किया जाता है and उसके अलग अलग concepts हम लोग ने एक एक करके देख लिए थे. Okay, so waves generally काफ़ी types के होते हैं, जिसमें से इस particular chapter के अंदर हम लोग mechanical waves सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारा major target है to learn about sound waves. मतलब बेसिक वेव्स एंड देन साउंड वेव्स के बारे में ज़्यादा इन डिटेल सीखने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ये मैकेनिकल वेव्स जो होती है ना, ये मैकेनिकल वेव्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव. इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ अबाउट ट्रांसवर्स वेव. अब ट्रांसवर्स वेव का एक बेसिक मतलब मैंने आपको बताया था. सी, वेव क्या होता है, वाइब्रेशंस, मतलब वाइब्रेशंस जो होती है, जब वाइब्रेशंस एक चीज़ वाइब्रेट होती है और वो वाइब्रेशन जब बाजू वाले को ट्रांसफर करते हैं, इस वजह से बाजू वाला भी वाइब्रेट होगा, उसके बाजू वाले भी वाइब्रेट करेगा, उसके बाजू वाले भी वाइब्रेट करेगा. ये वाइब्रेशंस की वजह से जो पैटर्न फॉर्म होता है, इस पैटर्न को हम लोग बुलाते हैं वेव्स. ओके, वेव बुलाते हैं. अब वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़. वाइब्रेशन का डायरेक्शन, मतलब वेव अगर ऐसे आगे की तरफ जा रही है तो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो सकता है. जो तुम्हारे सामने नॉर्मल वेव्स दिखते हैं, उन सारे के सारे केसेस वैसे ही हैं कि उनके वाइब्रेशंस ऐसे ऊपर नीचे होती है, लेकिन वेव जो बढ़ती है वो आगे की तरफ बढ़ती है. सो द डायरेक्शन बिटवीन द वाइब्रेशन एंड द प्रोपगेशन, मतलब ये जो बढ़ना जो होती है इसको बोलते हैं प्रोपगेशन. प्रोपगेशन और वाइब्रेशन के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है, परपेंडिकुलर होता है. जो भी वेव्स में वाइब्रेशन और प्रोपगेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उन वेव्स को हम लोग बुलाते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. सो ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या है, द वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द प्रोपगेशन ऑफ द पार्टिकल आर प्रोपगेशन ऑफ द वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. ओके, अब ट्रांसवर्स वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं. यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखेंगे तो पहला कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली इसका डेफिनेशन ही है. ट्रांसवर्स वेव हैज इट्स पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स प्रोपगेशन. ओके, ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है. पहला कैरेक्टरिस्टिक इज द डेफिनेशन इटसेल्फ. अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी वेव है अपना ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव जैसे मैंने आपको बताया ये इस तरह दिखता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ऊपर की तरफ हो रही है या फिर नीचे की तरफ हो रही है, बट वेव जो होती है ना वो आगे की तरफ टूवर्ड्स राइट हैंड साइड बढ़ रही है. सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि वाइब्रेशन और ट्रैवलिंग या फिर प्रोपोगेशन जो होती है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. सो इस केस में हम लोग अक्सर ना ऊपर वाला जो कर्व है, ओके, ये कर्व क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वाइब्रेशन कम होती है, फिर थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन, थोड़ा और ज़्यादा वाइब्रेशन और थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन मैक्सिमम पे पहुँचती है और फिर वाइब्रेशन कम होती है, कम होती है, फिर उल्टे डायरेक्शन पे ट्रैवल करती है, ऐसा चलता रहता है. सो पॉजिटिव डायरेक्शन पे या फिर ऊपर के डायरेक्शन पे जो भी वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से जो पैटर्न फॉर्म हुआ होता है उसको हम बुलाते हैं क्रेस्ट, एंड नीचे की तरफ जो पैटर्न फॉर्म हुआ रहेगा उसको हम बुलाएंगे ट्रफ. सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक उसका ये होता है कि जो भी वेव ट्रैवल होती है उसके अंदर ऑल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ मतलब वेव ऐसे आएगा तो इधर रुकता नहीं है, इधर से वो आगे जाता है, ऐसा आगे जाता है. सो एवरी टाइम व्हेन यू ट्राई टू सी इट, सो यू हैव क्रेस्ट ओवर हियर, देन यू हैव वन ट्रफ, देन यू हैव वन मोर क्रेस्ट, देन यू हैव वन मोर ट्रफ, देन यू हैव वन मोर क्रेस्ट, देन यू हैव वन मोर ट्रफ. सो ऑल्टरनेटली क्रेस्ट एंड देन ट्रफ, crest and then trough, crest and then trough. So half of the wave comprises of crests and half of the wave comprises of trough. टोटल वेवलेंथ अगर लैम्डा रहेगा, वेवलेंथ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सीखा था, टोटल वेवलेंथ अगर लैम्डा रहेगा तो क्रेस्ट का जो लेंथ होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द लैम्डा, लैम्डा बाय टू, एंड ट्रफ का जो वेवलेंथ होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द लैम्डा. ओके, इसीलिए इनको बोलते हैं ये पीरियोडिक है, क्योंकि एक चीज़ अगर एक बार आया तो एक सर्टन पीरियड के बाद वापस रिपीट होगा, एक सर्टन पीरियड के बाद वापस रिपीट होगा, एक सर्टन पीरियड के बाद वापस रिपीट होगा. एवरी टाइम इट इज रिपीटिंग इन अ कॉन्स्टेंट पीरियड. पीरियोडिक इन टाइम का मतलब कॉन्स्टेंट टाइम पर रिपीट होती है, पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब होता है कॉन्स्टेंट स्पेस कंज्यूम करने के बाद वापस वापस रिपीट होती है. तो वेव्स जनरली दे आर पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज स्पेस, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना. ओके, सो डिवाइड होती है क्रेस्ट एंड ट्रफ में एंड वो पीरियोडिक भी होती है इन टाइम एंड
space. Periodic and time का मतलब equal interval of time के बाद वापस repeat होती है. Periodic and space मतलब equal space, एक certain मतलब एक बार आया 1 meter के बाद अगर दूसरा आने वाला है तो उसके बाद exactly 1 meter के बाद ही तीसरा आएगा, उसके बाद exactly 1 meter के बाद ही चौथा आएगा. So space मतलब जगह जो consume करती है उसमें भी वो periodicity दिखाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं they are periodic in space and time. Okay, I request you guys to just take a screenshot of this particular section so that you can write in the explanation of the second point. मैं second point erase नहीं करने वाला for your understanding. So second point and then this screenshot. I believe सभी लोगों ने screenshot लिया है. आगे बढ़ते हैं. Third point पे क्या लिखा है? हाँ, थर्ड पॉइंट पे ये सिंबॉलिक तरीके से बताया कि यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ मेजर करने का तरीका कैसे होता है, वेवलेंथ को अक्सर कैसे मेजर किया जाता है. ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ को डिफाइन ऐसे किया जाता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव या फिर दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बुला सकते हैं, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग वेवलेंथ बुला सकते हैं. तो वेवलेंथ मतलब पूरा, सी जीरो से लेकर जीरो तक का, इसको भी वेवलेंथ ही बोलेंगे, इसको भी वेवलेंथ ही बोलेंगे, इसको भी वेवलेंथ ही बोलेंगे, इसको भी वेवलेंथ ही बोलेंगे. तो वेवलेंथ कहीं से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट ट्रांसवर्स वेव में हम डिफाइन जब करेंगे तो इस तरह डिफाइन करते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच में भी डिस्टेंस वेवलेंथ है, दो ट्रफ के बीच में भी डिस्टेंस वेवलेंथ होता है. ओके, सिमिलरली क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांसमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांसफर. मतलब अभी क्या होती है, ये क्रेस्ट यहाँ पर है. अभी आप सी वेव का अगर फॉर्मेट देखेंगे तो स्टार्टिंग में क्रेस्ट यहाँ पर आया तो यहाँ पर ट्रफ था. फिर जब ऐसा चला गया तो क्रेस्ट यहाँ पर आया, जो उंगली नीचे था तब ट्रफ में था, वापस गया तो ये क्रेस्ट बन गया, एंड जो पहले क्रेस्ट था वो ट्रफ बन गया. सो व्हाट हैपेंड, दिस क्रेस्ट एक्चुअली डिस्प्लेस्ड इटसेल्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो क्रेस्ट है ना डिस्प्लेस हो गई, सिमिलरली ट्रफ भी डिस्प्लेस हो गया, सिमिलरली दूसरा क्रेस्ट भी डिस्प्लेस हो गया, ट्रफ भी डिस्प्लेस हो गया. तो बेसिकली क्रेस्ट एंड ट्रफ है ना आगे की तरफ बढ़ती है, इसको बोलते हैं एडवांसमेंट. क्रेस्ट एंड ट्रफ जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, एडवांस करती है, तो उस एडवांसमेंट की वजह से जो होती है एनर्जी भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है. तो बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट ऑफ crest and trough, we can transfer energy from one point to another point. This is the fourth characteristic of transverse wave. And जब ये ऐसा ऊपर नीचे होती है तो आजू बाजू में किधर भी चेंज इन प्रेशर नहीं क्रिएट करती है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है. मतलब देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रही है, नीचे की तरफ, देयर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट हैपनिंग, बट देयर इज वट एवर प्रेशर इट हैड इनिशियली वो प्रेशर मेंटेन रहता है. सो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर. ओके, मैकेनिकल वेव्स इन जनरल रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. एंड ये जो ट्रांसवर्स वेव है इनको सी मीडियम मतलब कैसा मीडियम, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये ट्रांसवर्स वेव को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड ही लगता है, मतलब लिक्विड और गैस के अंदर से ट्रैवल नहीं करेगा, बट लिक्विड का सर्फेस अगर होगा तो वो ट्रैवल कर सकता है. मतलब इट रिक्वायर्स सॉलिड, सॉलिड के अंदर सर्फेस किधर भी ट्रैवल कर सकता है, एंड लिक्विड के अंदर नहीं ट्रैवल करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के सर्फेस पे. तो सॉलिड पे ट्रैवल करेगा एंड लिक्विड के सर्फेस पे ट्रैवल करेगा, ये दो जगह पे ही ट्रैवल कर सकती है. ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक एक थ्रेड लीजिए, थ्रेड को एक तरफ से झटका देते जाइए तो थ्रेड का जो फॉर्मेशन होगा इट विल बी लाइक दिस. सो ये फॉर्मेशन देखकर समझ जाना ट्रांसवर्स वेव ऐसी तरह होता है. हमारे ओशियंस के वेव्स भी वैसे ही होते हैं. ओके, सो आप समझ गए कि वो ट्रैवल कहाँ कहाँ पर कर सकता है. सेवेंथ वन, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड. अब ट्रांसवर्स वेव पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, इट्स लाइक सी वाइब्रेशन हो रही है. अब हमारे केस में हम जो भी सीख रहे हैं ना सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है, बट इन जनरल ट्रांसवर्स वेव में ना सिंगल प्लेन में भी वाइब्रेशन हो सकती है, मल्टीपल प्लेन्स में भी वाइब्रेशन हो सकती है. अभी मल्टीपल प्लेन मतलब क्या होता है, सी वाइब्रेशन जब ऐसे होती है तो दिस वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन अगर ऐसे होती तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशन होती. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो ऐसे भी वाइब्रेशन हो सकती है, ऐसे भी वाइब्रेशन हो सकती है, ऐसे भी वाइब्रेशन हो सकती है. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. ऐसे भी वाइब्रेशन हो सकती है, तो ये पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वाइब्रेशन है ना कोई भी प्लेन में हो सकती है. एक पर्टिकुलर प्लेन में अगर स्टिक होके जा रही है तो हम बोलते हैं कि वो वेव इज पोलराइज्ड, मतलब उसको उसका प्लेन मिल गया है, सिंगल प्लेन में ही ट्रैवल कर रही है. लेकिन अगर वाइब्रेशन का प्लेन चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते करते फिर ऐसे टेढ़ा होके ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, फिर ऐसे टेढ़ा होके वापस ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर वापस ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो अपना प्लेन पहले ऐसे फिर बाद में ऐसे ऐसे चेंज अगर कर रहा है तो ऐसे बोलते हैं कि उन वैसे टाइप के वेव्स को ना सिंगल प्लेन नहीं होता, मल्टीपल प्लेन्स होते हैं वाइब्रेट करने के लिए. ये वेव्स है ना जनरली लाइट के अंदर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव.
वहाँ पर मल्टीपल प्लेन्स में वाइब्रेशन होती है। तो ट्रांसवर्स वेव भले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या मैकेनिकल हो, मैं इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव भले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या मैकेनिकल हो, अगर वो एक प्लेन में ट्रैवल कर रही है तो ठीक है, अगर वो मल्टीपल प्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, व्हाट वी कैन डू इज उनके बाकी सारे प्लेन्स को काट के सिर्फ एक सिंगल प्लेन के ट्रैवलिंग को हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दैट इज मल्टीपल प्लेन्स में अगर वाइब्रेट हो रही है तो बाकी सारे वाइब्रेशंस को काट के एक ही प्लेन के वाइब्रेशन को स्टैग्नेंटली मेंटेन करके हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। द प्रोसेस इन which we are basically ignoring all the vibrations which are on the other planes and only considering one set of vibration which is going through one plane, that procedure is called as polarization, and the polarized wave will vibrate only in one plane. Okay, so transverse wave can be polarized, matlab we can control their vibration into one plane. I hope you are understanding. Iska matlab hota hai ki controlling their vibration into one plane. Okay, and the last point, medium carrying the transverse wave must possess elasticity. Seedhi si baat hai yaar, agar hamare atoms jo hai ya fir jo bhi particles hai, ye particles agar upar tak jaake niche tak jaake wapas apne mean position pe aana hai to unme elasticity hona chahiye. Elasticity ke bina ye cheez possible nahi hai. So if this thing you want to happen, it will need to have elasticity. Elasticity hai us medium mein to hi transverse wave usme se pass ho sakti hai. Okay, these are the characteristics of transverse wave. I believe things are pretty clear. I request you guys to please make a note of it. I believe सभी लोगों ने लिखा है। मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक वेलोसिटी का भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर देंगे। सी, वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जब भी ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है तो एक सिंगल एक्सप्रेशन आप यूज, स्पेशली स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग को लेकर ऐसे खींचेंगे तो ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच इज पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग और एनी पर्टिकुलर मीडियम, उसका फॉर्मूला है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, दैट्स इट। फिर टी इज व्हाट, T is tension along the medium. And what is mu? Mu is linear mass density of the medium. Linear mass density ka matlab, it's nothing but mass upon length. Okay, so velocity, which is a velocity of a transverse wave passing through a string or maybe a medium, can be expressed as square root of T upon mu, where T is the tension along the medium, you have a tension along the string due to which the vibration, which is influencing the vibration, and mu is mass per unit length. Matlab, jo bhi string aapne consider kiya, uska mass upon jo bhi uska length rahega, wo length. Okay, so my dear children, please, I request you guys to please make a note of it. सो डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ने मेजरली ट्रांसवर्स वेव के बारे में ही सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।